आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, हमारे चैनल भारत प्लस में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले साल की तरह एक बार फिर लोगों की मदद में जुट गए हैं। उन्होंने फ्री कोविड हेल्प लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप कोरोना टेस्ट से लेकर डॉक्टर की सलाह तक सब कुछ मुफ्त पा सकते हैं। सोनू सूद पिछले साल से लगातार लोगों की मदद करते आ रहे हैं, यही कारण है कि लोग उन्हें भगवान के रूप में मान रहे हैं और उन्हें पूज रहे हैं, क्योंकि वह काम ही ऐसा कर रहे हैं। जब से देश में लॉकडाउन लगा है, उन्होंने पहले प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद सोनू सूद ने इन मजदूरों के लिए रोजगार का इंतजाम भी किया था। अब जब देश में एक बार फिर से कोरोना का महासंकट गहरा गया है, तो सोनू सूद एक बार फिर से तेजी से लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और तेजी से अनेक अनेक प्रकार से मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोविड संबंधी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। फ्री कोविड हेल्प के जरिए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने से लेकर डॉक्टर की सलाह तक सभी तरह की सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। सोनू फाउंडेशन, हील वेल 24 और कृष्णा डायग्नोस्टिक साथ मिलकर इसके लिए काम करेंगे और लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। सोनू ने ट्वीट करते हुए कहा, आप आराम करिए, मुझे टेस्ट हैंडल करने दीजिए। फ्री कोविड हेल्प लॉन्च। मंगलवार की रात को सोनू सूद बेंगलोर से वापस मुंबई लौट आए हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसके अलावा सोनू सूद ने एक भावुक कर देने वाला एक मैसेज भी ट्वीट किया। सोनू सूद ने देर रात ट्वीट करते हुए कहा कि आधी रात को कई कॉल करने के बाद आप जरूरतमंद के लिए बेड पाने में सक्षम होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऑक्सीजन जिनसे उनकी जान बच सकती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह 100 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बनने से कहीं अधिक संतोषजनक है। हम सो नहीं सकते जब तक लोग अस्पताल के बाहर बेड का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकारें इस काम को करने में फेल हो रही हैं, वहां सोनू सूद अकेले ही अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और लोगों का भी भला हो सके। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।